है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। तो आज हम देखने वाले हैं डबल कॉम्बिनेशन 4+8। तो ये डबल कॉम्बिनेशन का सेकंड वीडियो है। इसके पहले कल हमने डबल कॉम्बिनेशन +9 देखा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप ज़रूर देखो, क्योंकि ये सभी कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स में काम आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये पूरा सीख लो। तो आज हम 8 के लिए देखेंगे कि कैसे हम स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला और बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला 8 ऐड करने के लिए कंबाइन करते हैं। तो इसमें स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूले का रोल होता है सबसे बड़ा, क्योंकि वही दो फॉर्मूले, मतलब एक स्मॉल फ्रेंड्स का और एक बिग फ्रेंड्स का, तो ये दोनों कंबाइन होते हैं सिर्फ ये +8 करने के लिए। तो आप सभी फॉर्मूले भी सीख लो। अगर आपने नहीं सीखे हो तो मैंने ये सभी फॉर्मूले स्मॉल फ्रेंड्स के और बिग फ्रेंड्स के सिखा दिए हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट बने हैं सेपरेट स्मॉल फ्रेंड्स नाम की और बिग फ्रेंड्स नाम की, तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर चेक कर लो। उसमें आपको सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे और फिर आपको ये सभी एग्जाम्पल्स जमेंगे सॉल्व करने को, क्योंकि वो फॉर्मूला ही एकदम बेसिक है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें सभी जगहों पर काम आते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है, तो वो ज़रूर सीख लो। तो चलो फिर आज हम देखते हैं, आज हम ये एक रो देखेंगे और इसमें हम पूरा डबल कॉम्बिनेशन +8 समझ जाएंगे, तो सीखेंगे। यहाँ पर पहले तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, इसमें है 58, ये लिए 58, फिर है +21, ये 21, फिर है -4, तो ये 4 है तो ये माइनस की, फिर अब +8, अब मुझे 8 ऐड करने हैं, 8 मुझे प्लस करने हैं। पर यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास ये 5 है ऑलरेडी, पर यहाँ पर मुझे 8 ऐड करने के लिए ये नीचे ये 3 लोअर बिट्स और ये एक अपर बिट चाहिए, पर ये ऑलरेडी काउंटिंग में है, तो मैं इसे डबल तो ऐड नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए मुझे बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज करना होगा कि +8 इज इक्वल टू -2 + 10। अब यहाँ पर मुझे पहले तो 2 माइनस करके 10 ऐड करने होंगे, यहाँ पर मैं 10 ऐड कर सकता हूँ, पर यहाँ पर 2 माइनस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है। पर हमें ये भी पता है कि -2 का स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला है कि -5 + 3। अब -5 + 3 क्या मतलब, मैंने 2 माइनस किए ना, तो 2 तो माइनस हो गए, अब -2 + 10 था तो -2 हो गया, अब बचा क्या +10, तो ये 10 तो ऐड किए, सो हमारा आंसर आ गया 83। तो देखो इतना इजी होता है, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये -5 + 3 फिर +10, पर हमें बस क्या करना होता है, एक स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला और एक बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज करना होता है। बेसिकली हमको है ना ये बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला से ये ऐड करना होता है कि +8 है, +8 के लिए बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला हम यूज करते हैं -2 + 10, पर उस जगह पर 2 अवेलेबल नहीं होते ऐसे इजी फॉर्म में कि मैं डायरेक्टली -2 + 10 कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे स्मॉल फ्रेंड्स के भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, वो होता है -2 = -5 + 3। ऐसे ही हम इस डबल कॉम्बिनेशन +8 के एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको सेकंड एग्जांपल में और अच्छे से समझ में आएगा, आप भी बस ट्राई करो। ये लिए 59, फिर -4, फिर +1, ये +1, फिर +28। अब 28 में जो 20 है ये ऐड किए, और 8 ऐड करने के लिए मुझे -2 + 10 करना होगा, पर यहाँ पर मेरे पास 1 है -1, पर मुझे 2 माइनस करने। तो आपको बस ये याद रखना है कि पहले तो आपको वो जो भी नंबर होगा ना उसका बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला याद करना है। अब यहाँ पर हमारा है 8, तो 8 का बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या है कि +8 = -2 + 10। अब मुझे पहले तो -2 करना है, फिर 10 ऐड करने हैं, तो उस +10 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है और -2 पर फोकस करना है। अब मुझे 2 माइनस करने हैं, पर यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता, तो अब मुझे -2 का फॉर्मूला याद करना है। -2 के लिए स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला है -5 + 3, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और फिर वो जो +10 को साइड में रखा था
उसे अभी दिमाग में लाना है, एकदम सेंटर में लाना है, और फिर ये प्लस करना है, +10। तो ऐसे हमारा आंसर आया 84। फिर है 76 +8। अब फिर से +8 करना है, तो +8 इज इक्वल टू -2 +10। अब -2 करना है तो उसके लिए पहले तो -5 +3, फिर करूंगा +10, क्योंकि ये -2 हो गया, -5 +3 इज इक्वल टू -2, फिर +10 कर दिया, और फिर है -84। तो ये 80 माइनस हो गए, ये 4 माइनस हो गए, फिर है +1, तो ये 1। सो आवर आंसर इज 1। फोर्थ एग्जाम्पल में है 15 +8। +8 के लिए फिर से क्या करना होगा आप बताओ। पहले तो -2, फिर -2 के लिए -5 +3, मतलब हमें एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकालना है और फिर वो दोनों फॉर्मूले कंबाइन करके आंसर लाना है, यही इसका उद्देश्य है। तो पहले तो -5 +3 किया, फिर करूँगा +10, फिर +75, तो ये 70, ये 5, फिर -1। सो आवर आंसर इज 97। फिर है 26, फिर है +68, ये 60, और 8 के लिए अब फिर से पहले तो -5, फिर +3, फिर +10, फिर है -1, फिर है +6। सो आवर आंसर इज 99। तो आप ये समझ लो कि ये -5 +3 क्यों हो रहा है और उसके बाद +10 क्यों हो रहा है। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है ना, तो आपका ये टॉपिक बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। तो आपको बस उसी नंबर्स में कंफ्यूज हो रहा होगा कि पहले -5 करना है, फिर +3 करना है, फिर +10 करना है, तो इसमें आपका कंफ्यूजन होता होगा ना। तो ये इस एग्जांपल से आप एक बार और देख लो। फिर 7 है, फिर है -2, ये 2 माइनस के, फिर है +8। अब मुझे 8 ऐड करने हैं, तो 8 ऐड करने के लिए हमारा बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि +8 इज इक्वल टू -2 +10। तो मुझे यहाँ पर 2 माइनस करके या 10 ऐड करने हैं। यहाँ मैं 10 डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, पर यहाँ पर मैं 2 माइनस नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो मेरा -2 का भी एक फॉर्मूला है कि -2 इज इक्वल टू -5 +3, और फिर ये -5 किया मैंने, फिर 3 ऐड किए, तो इसमें से 2 माइनस हो गए ना, क्योंकि 3 - 5 इज इक्वल टू -2, एंड -5 + 3 भी -2 होता है, ये इंटीजर है। ये हमने फॉर्मूला पहले ही सीखा है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 माइनस हो गए इस फॉर्मूले की मदद से, स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले की मदद से। अब बचा क्या, +10, तो वो +10 यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये हो गए +8। देखो मतलब इतना सब करके बस 8 ऐड करने हैं। फिर है 26, ये 26, फिर आंसर भी आ गया 39। मतलब आप इसे एक स्टेप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब -5 करते हैं हम, फिर +3, फिर +10, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो -5 +13, क्योंकि ये 10 3 13 होते हैं। सो -5 + 13, अब 13 में से 5 जाएंगे तो 8 ही बचते हैं ना, तो वो +80 हो जाएंगे। तो वही है ऑल द फॉर्मूला। फिर है 6 + 60, फिर है +18, तो ये 10, और 8 के लिए फिर से -5 +3, फिर +10, फिर है +5। सो आवर आंसर इज 89। फिर है 29 -4, ये 4 माइनस, फिर है +8, +8 के लिए फिर से -5 +3 +10, फिर है +22। 20 ऐड करने के लिए -30 +50, और 2 ऐड करने के लिए -3 +5। ये एक ही स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला है, पर यहाँ पर ये टेंस रॉड, इसलिए -30 +50 किया, पर वो सेम ही है, वो फॉर्मूला बस यही रहता है, -3 +5। सो आवर आंसर इज 55। फिर है 47 -3, तो -5 +2 करना होगा, ये -3 का फॉर्मूला है। फिर +2 के लिए -3 +5, ये भी स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला था। फिर अब +18, अब 18 ऐड करने, तो 18 में से जो 10 ऐड करने हैं ना, उसके लिए फॉर्मूला है कि +10 इज इक्वल टू -40 +50, मतलब +1 इज इक्वल टू -4 +5। फिर अब +8, अब 8 ऐड करने के लिए फिर से -5 +3 +10, सो 64 इज द आंसर। फिर है 68 -2, फिर है +8, सो -5 +3 +10,
फिर -24, ये 20 यहाँ पर माइनस हो जाएगी और 4 भी यहाँ से माइनस हो जाएगी। सो आवर आंसर इज 50। सो इसी के साथ ये रो हो गई है कंप्लीट, और आई होप आपको ये डबल कॉम्बिनेशन प्लस सेट समझ में आया हो। तो आप बस इसे प्रैक्टिस करते रहो, आपके पास जो भी एग्जांपल होगे वो सॉल्व करो, ताकि फिर आपको भी ये समझ आ जाए। थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप प्रैक्टिस करते तो आपको भी ये इजी लगेगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोस के लिए। अभी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, ये बस दो ही हुए हैं अपने, तो आगे भी बहुत आएंगे, और साथ ही मल्टीप्लिकेशन भी मैंने शुरू कर दिया है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो फिर लाइक कर दो इस वीडियो को, अगर ये पसंद आया हो तो शेयर कर दो, कमेंट करके पूछो अगर कोई डाउट हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।